नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज हम आए हैं श्री भैरवनाथ देवस्थान, और ये भैरवनाथ देवस्थान काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और ये है महसाणे में, सुल्तानपुर में आता है, और ज़िला है पारनेर। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये आसपास का जो एरिया है महसाणे, जो गांव है, बहुत ही नीट एंड क्लीन गांव है, काफ़ी खूबसूरत गाँव आप देख सकते हो बाहर से। और ये दो तीन मंदिर हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो भैरवनाथ का मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और इसका बनावट भी बहुत सुंदर है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, और ये आसपास पूरा मेंटेन किया हुआ है इस मंदिर को, भैरवनाथ के मंदिर को पेड़ लगा के रखे हैं चारों तरफ से, और इसकी एंट्री बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, और बाउंड्री वॉल के साथ साथ में पेड़ भी साथ चल रहे हैं, और इसमें पेड़ों की कटाई वगैरह भी हुई है, और ये आप देख पा रहे हो कि जोत है जलाने के लिए, दियाली इसको बोलते हैं, दोनों साइड में है। और ये पहली दियाली देखिए जो हाइट में कम है, ये तो ज़्यादातर मंदिरों में दियाली बहुत हाइट पे रहती है। और ये देखिए सामने मंदिर का एलिवेशन किस प्रकार दिखता है, कितना खूबसूरत मंदिर ये बनाया गया है। अलग अलग रंगों से पेंटिंग की हुई है, और इस मंदिर में हमेशा की तरह ताला लगा हुआ है। ये देखिए मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये मंदिर दिखता है। तो ये था भैरवनाथ जी की मूर्ति ब्लैक स्टोन में, काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। टाइम आप देख पा रहे हो 3:10 हुए हैं। भैरवनाथ जी का मंदिर, ये बाहर का हिस्सा इस प्रकार दिखता है। चलते हैं मंदिर के पीछे की ओर। ये बैक साइड का पूरा हिस्सा है, आसपास खेती है। तो इस प्रकार दिखता है ये भैरवनाथ जी का प्राचीन मंदिर महसाणे का, जो कि जिला पारनेर में आता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कुछ कमेंट्स हो तो आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, मेरे को बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं।